इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धारावी पुनर्विकास परियोजना पर उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मुंबई को अडानी का हम शहर नहीं बनने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में अगर उनकी पार्टी आती है तो इस परियोजना का टेंडर रद्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने अपील की कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा ना जाए और साथ ही वहां रहने वाले लोगों को 500 वर्ग फुट का मकान दिया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की धारावी पुनर्विकास परियोजना पर उद्धव ठाकरे भड़के हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को अडानी का शहर हम नहीं बनने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धारावी पुनर्विकास परियोजना पर उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मुंबई को अडानी का हम शहर नहीं बनने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में अगर उनकी पार्टी आती है तो इस परियोजना का टेंडर रद्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने अपील की कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा ना जाए और साथ ही वहां रहने वाले लोगों को 500 वर्ग फुट का मकान दिया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की धारावी पुनर्विकास परियोजना पर उद्धव ठाकरे भड़के हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को अडानी का शहर हम नहीं बनने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि धारावी पुनर्विकास परियोजना पर उद्धव ठाकरे भड़क गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि मुंबई को अडानी का हम शहर नहीं बनने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में अगर उनकी पार्टी आती है तो इस परियोजना का टेंडर रद्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने अपील की कि धारावी के निवासियों और व्यवसायों को उजाड़ा ना जाए और साथ ही वहां रहने वाले लोगों को 500 वर्ग फुट का मकान दिया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने की धारावी पुनर्विकास परियोजना पर उद्धव ठाकरे भड़के हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई को अडानी का शहर हम नहीं बनने देंगे।